गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिबरेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा माइग्रेन के बारे में। आप जानते हैं कि माइग्रेन एक हेडेक है एंड माइग्रेन के जो अटैक्स हैं वो काफी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करके चलते हैं। आप जानते हैं कि माइग्रेन बहुत सीवियर प्रॉब्लम है एंड जिन्हें माइग्रेन होती है आप जानते हैं कि ये पूरा दिन खराब कर सकती है। नाउ जहां तक माइग्रेन का सवाल है, ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है एंड इट बहुत प्रेवलेंट है, ये करोड़ों लोगों को होती है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स के डेटा को अगर हम देखें तो अप्रॉक्सिमेटली 39 मिलियन पीपल हैव माइग्रेन। ये अकेला यूएस का डाटा है। अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो करोड़ों लोग माइग्रेन से सफर करते हैं। और जहां तक सिम्टम्स का सवाल है, इसमें वैरायटी ऑफ सिम्टम्स आते हैं, बट द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज द हेडेक। जो हेडेक है तो वो तो बहुत इंटेंस होता है, बहुत ज्यादा होता है। हेडेक के साथ में जी मिचला सकता है, उल्टी हो सकती है। जो हेडेक होता है उसके साथ आवाज और लाइट दोनों की बहुत सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है कि अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है तो अगर रोशनी भी आ रही है तो एकदम चकाचौंध लगती है, या कोई आवाज आ रही है तो वो भी बहुत ज्यादा कानों में लगने लगती है। ऐसे ही जो स्मेल है या कोई भी गंध आती है उसके लिए भी काफी सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। इनफैक्ट थोड़े से चेंजेस विजन में भी महसूस होते हैं जो माइग्रेन के पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं। तो माइग्रेन वास्तव में इंटेंस हेडेक है बट बहुत सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। जब हम माइग्रेन की बात करते हैं तो माइग्रेन दो तरह की होती है। नंबर वन इज द एपिसोडिक माइग्रेन, इसका मतलब है कि कभी कभी अटैक आएगा, और सेकेंड वन इज द क्रॉनिक माइग्रेन जो लगातार होती है, ज्यादा होती है। नाउ आप एपिसोडिक माइग्रेन किसे कहते हैं? साइंटिफिकली अगर हम देखें कि माइग्रेन के जो अटैक्स हैं, अगर एक महीने में 14 अटैक से कम आते हैं, माइग्रेन के सिरदर्द, तो ये वास्तव में एपिसोडिक की कैटेगरी में आएगा। और अगर ये जो अटैक्स हैं ये एक महीने में 15 से ज्यादा हो रहे हैं तो इसको फिर क्रॉनिक या क्रॉनिक माइग्रेन की कैटेगरी में माना जाता है। नाउ लुक एट द कॉज कि क्या चीजें ऐसी हैं जो माइग्रेन करती हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, सही बात यह है कि जो माइग्रेन है वो एक मिस्ट्री है, अभी तक फाइनल वर्ड नहीं है कि ये इसका एक रीजन है जिसके चलते माइग्रेन होती है। बट देयर आर सर्टेन एरियाज जो साइंटिफिक एनालिसिस से ऐसा माना जाता है दैट दिस मे बी द रीजंस। नंबर वन इज द जेनेटिक्स। ऐसा माना जाता है कि जेनेटिकली देयर आर सर्टेन पीपल जो माइग्रेन के लिए प्रीडिस्पोज होते हैं, तो जेनेटिक्स इज नंबर वन। सेकेंड इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो हमारा वातावरण है वो आपको जो माइग्रेन है उसको उभारने की या लाने की ताकत रखता है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर नंबर टू। नंबर थ्री, एक सेरोटोनिन नाम का केमिकल होता है हमारे ब्रेन के अंदर जो वास्तव में हमारा डिप्रेशन, हमारी हैप्पीनेस, इन सब के लिए जिम्मेदार है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि शायद जो सेरोटोनिन के लेवल्स हैं वो ब्रेन में गड़बड़ होते हैं, वो जिम्मेदार है माइग्रेन के अटैक्स के लिए। एंड नंबर चार इज कि जो ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर हेवायर हो जाए तो माइग्रेन के जो अटैक्स हैं उनके आने की संभावना हो जाती है। देखिए, माइग्रेन एक टेंडेंसी है, हमेशा इसको ट्रिगर की जरूरत पड़ती है माइग्रेन के अटैक को लाने के लिए। ये इसको बिल्कुल ऐसा ही समझिए कि जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल में ज्वलनशीलता जो है ना एक टेंडेंसी है, लेकिन एक दिया सलाई तो चाहिए उसमें आग लगने के लिए। ऐसे ही माइग्रेन एक टेंडेंसी है लेकिन बिना ट्रिगर के आपको सिर का दर्द नहीं आ सकता है। ये जो ट्रिगर्स होते हैं, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो वास्तव में इसको प्रिसिपिटेट करते हैं। जब अगर आप ट्रिगर्स को पहचान जाएं, उनको प्रिवेंट करें, तो वास्तव में आप माइग्रेन का जो अटैक है उसको आने से रोक सकते हैं। देन जो ट्रिगर्स हैं वो कई सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक आदमी का एक ही ट्रिगर होगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक आदमी के लिए जो कई सारी चीजें हैं जो ट्रिगर कर सकती हैं, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो ट्रिगर्स हैं वो सब इकट्ठे होकर जो है ना माइग्रेन का अटैक लेके आए। बट ट्रिगर्स को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने ट्रिगर को बचाया तो माइग्रेन के अटैक को आप बचा पाएंगे। नाउ
माइग्रेन के जो ट्रिगर्स हैं उनको ध्यान से देखिए। खाने की कुछ चीजें हैं उन पर बिल्कुल ध्यान रखें। अल्कोहल इज द वन जो माइग्रेन के अटैक को प्रिसिपिटेट करती है। अल्कोहल में वाइन इज द वन, जो रेड वाइन है वो सबसे ज्यादा अटैक को प्रिसिपिटेट करने की ताकत रखती है। नंबर दो, जो चीज है या और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वास्तव में वो माइग्रेन का अटैक लेके आ सकते हैं। चॉकलेट्स हैं, कॉफी है, ये दोनों चीजें माइग्रेन के अटैक को प्रिसिपिटेट कर सकती हैं। कोई भी ऐसी खाने की चीज जिसमें बहुत स्ट्रांग स्मेल है या जिसमें सुगंध है बहुत स्ट्रांग, वो माइग्रेन के अटैक को लेके आ सकती है। हमारे जो खाने की चीजें होती हैं उनमें जो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत सारे स्वीटनर्स होते हैं, उनसे भी इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि कहीं माइग्रेन का जो अटैक है वो प्रिसिपिटेट ना हो जाए। नाउ दूसरी चीजें, जैसे स्किप आप मील कर देते हैं कि जैसे आप व्यस्त हैं, आपने सवेरे से कुछ नहीं खाया, रात तक आप काम में फंसे रहे, लंबे समय खाली पेट रहेंगे, हल्की सी भी आपकी ब्लड शुगर का लेवल लो होगा, आपको माइग्रेन की टेंडेंसी, तो माइग्रेन का अटैक प्रिसिपिटेट हो जाएगा। आप बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे, माइग्रेन का अटैक प्रिसिपिटेट हो जाएगा। किसी भी कारण से आपने लिक्विड्स कम लिए, डिहाइड्रेशन हुआ, माइग्रेन का अटैक प्रिसिपिटेट हो जाएगा। कोई भी सेंसरी स्टिमुलाई, जैसे बहुत ब्राइट लाइट है, लाउड साउंड है, जैसे आप शादी में गए और डीजे बज रहा है और वहां आपने आधे घंटे बिताया, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इसके चलते माइग्रेन का जो अटैक है वो प्रिसिपिटेट हो जाए। जैसा मैंने कहा, कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल, से फॉर एग्जांपल आपने परफ्यूम्स लगाए रेगुलरली, माइग्रेन का अटैक आपको प्रिसिपिटेट हो जाएगा। ऐसे ही जितनी भी फ्लैश लाइट्स हैं, ब्राइट सन है, परफ्यूम्स, पेंट, सिगरेट स्मोक, ये सब प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकते हैं, ये ट्रिगर का काम करते हैं। नाउ अगर हम और ट्रिगर को देखें तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं दे आर इंपॉर्टेंट। अगर हम ध्यान से देखें कि जो फीमेल्स में माइग्रेन के अटैक होते हैं वो 75% अटैक्स एक्चुअली पीरियड के आसपास होते हैं। ऐसे ही जो प्रेगनेंसी है या मेनोपॉज के आसपास जो माइग्रेन के अटैक्स हैं हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो बॉडी में ऊपर नीचे होते हैं, ये शायद इस तरह के अटैक्स के लिए या ट्रिगर बनते हैं और अटैक के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ हार्मोनल जो मेडिसिंस होती हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, ये भी जब यूज की जाती है तो माइग्रेन के अटैक आने की जो संभावना है वो बढ़ती है, क्योंकि ये ट्रिगर का काम करते हैं। ऐसे ही हमारी कुछ मेडिसिंस होती हैं जो ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे वेजोडायलेटर्स हैं, नाइट्रोग्लिसरीन्स हैं, ये इनसे हेडेक प्रिसिपिटेट हो सकता है जो माइग्रेन के नेचर का होता है। नो इसके अलावा द मोस्ट कॉमन थिंग इज द स्ट्रेस। कोई भी स्ट्रेस हो, साइंटिफिकली माना जाता है कि 70% जो अटैक्स ट्रिगर होते हैं माइग्रेन के वो वास्तव में स्ट्रेस के चलते होते हैं। स्ट्रेस इज द रीजन। देखिए, स्ट्रेस इमोशनल हो सकती है, स्ट्रेस फिजिकल हो सकती है, स्ट्रेस मेंटल हो सकती है। कोई भी स्ट्रेस होगी तो माइग्रेन का अटैक प्रिसिपिटेट होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अगर स्लीप इरेगुलर है तो ये बिल्कुल बात सही कि माइग्रेन प्रिसिपिटेट हो जाएगी। एंड अगर आपका जो स्लीप का शेड्यूल है वो प्रॉपर नहीं है तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर जो ट्रिगर कर सकता है अटैक के लिए। साइंटिफिकली ऐसा भी माना जाता है कि जो वेदर चेंजेस होते हैं, जैसे बहुत हीट वेव हो गई, बहुत गर्मी है, टेम्परेचर 48 डिग्री 50 डिग्री पहुंच गया, जो माइग्रेन है वो ट्रिगर होने की संभावना है। इंटेंस कोल्ड वेव है कि टेम्परेचर 2 डिग्री आ गया, 1 डिग्री आ गया, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो माइग्रेन का अटैक है वो प्रिसिपिटेट हो जाए। तो जो वेदर के इंटेंस चेंजेस होते हैं दे आर ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसके चलते माइग्रेन का जो अटैक है वो प्रिसिपिटेट हो जाता है। जो मोस्ट कॉमन आज की तारीख में हम देखते हैं जो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स, अगर आप जो स्क्रीन टाइम है ज्यादा लगाते हैं, आप काफी टाइम लैपटॉप पर रहते हैं, डेस्कटॉप पर रहते हैं, मोबाइल पर रहते हैं, आईपैड पर रहते हैं, तो ये जो इसकी लाइट है, जो स्क्रीन टाइम अगर आप ज्यादा रखते हैं तो ये माइग्रेन का जो अटैक है इसको प्रिसिपिटेट करने की ताकत रखती है। नो अगर हम रिस्क फैक्टर को देखें, ऐसा नहीं है कि किसी को भी ट्रिगर हो जाएगा तो उसको माइग्रेन का अटैक आ जाएगा। रिस्क फैक्टर अगर आपके पीछे है तभी ट्रिगर फैक्टर आपको माइग्रेन का अटैक लेके आएगा। नाउ रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? जो रिस्क फैक्टर इंपॉर्टेंट इज द फैमिली हिस्ट्री। साइंटिफिकली माना जाता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको माइग्रेन के अटैक आने की संभावना है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो साइंटिफिकली माना जाता है कि 90% जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं वो हिस्ट्री देते हैं कि हमारे यहां फैमिली हिस्ट्री है, किसी ना किसी को माइग्रेन का अटैक आता है। साइंटिफिकली अगर वन पेरेंट,
अगर आपके एक जो है ना पेरेंट को माइग्रेन है तो आपको माइग्रेन के अटैक आने की संभावना 50% है, और अगर दोनों पेरेंट्स को माइग्रेन की टेंडेंसी है तो माइग्रेन के अटैक आने की संभावना 75% है। और भी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको देखिए, जो सेक्स है, अगर हम चाइल्डहुड में देखें तो माइग्रेन के अटैक्स ज्यादा जो है वो मेल चिल्ड्रन में होते हैं, बट प्यूबर्टी के आसपास ये फीमेल चिल्ड्रन में ज्यादा होने लगते हैं, ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा हो जाते हैं। एंड बाय एंड लार्ज जो अटैक्स हैं वो फीमेल्स में ज्यादा आते हैं अप टू द एज ऑफ 40, उसके बाद फिर अटैक्स ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। अगर हम एज को देखें तो सबसे ज्यादा जो अटैक्स हैं वो किसी भी एज में आ सकते हैं, बट फर्स्ट अटैक यूजुअली एडोलेसेंस में आता है, दैट मींस अराउंड द एज ऑफ 15 साल, 16 साल, 17 साल, ये जो एज ग्रुप है इसमें सबसे पहली बार जो माइग्रेन का अटैक है वो चालू होता है। नाउ अगर मान लीजिए आपको माइग्रेन की टेंडेंसी है, आपको माइग्रेन के अटैक्स आते हैं, तो आपके पास में ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं? देखिए दो प्रॉब्लम्स हैं। वन इज द एक्यूट अटैक, अटैक आ गया, अब क्या करना है? अगर अटैक आ जाता है तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए जिसके चलते आपका जो अटैक है वो खत्म हो और ये वर्स ना होने पाए। उसके लिए ओटीसी मेडिसिन चाहिए, जो ओटीसी मेडिसिन है वो वास्तव में पेन किलर की कैटेगरी में आती हैं। अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, और कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं उनको लेने की जरूरत है। देयर आर सर्टेन डिवाइसेस आल्सो जो वास्तव में यूज की जाती हैं, जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग को चेंज करती हैं और अटैक को खत्म करती हैं, उनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। नाउ अगर प्रिवेंट करना है कि आपको अटैक ना आने पाए, या अटैक की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, सीवियरिटी कम हो जाए, उसका ड्यूरेशन कम हो जाए, तो उसके लिए तरीका यही है, आपको मेडिसिंस लेनी पड़ेंगी, कुछ प्रोसीजर्स हैं दे कैन हेल्प यू आउट, आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, इन द सेंस समय से सोइए, समय से खाना खाइए, एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल को अपनाइए। नंबर 4, कभी कभार कुछ बिहेवियरल थेरेपीज हैं जो आपको हेल्प करती हैं। जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जो प्रिवेंटिव थेरेपी की जो मैंने बात की, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आप सब करते हैं तो 40% लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो अटैक्स हैं इनमें कंट्रोल आता है, और जब ये अटैक कंट्रोल आता भी है तो ऑलमोस्ट अटैक की फ्रीक्वेंसी 50% कम होती है। ऐसा नहीं है कि अटैक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो जहां तक माइग्रेन का सवाल है, माइग्रेन वास्तव में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो हेडेक लेके आती है। ये वास्तव में एक्यूट हो सकती है, ये क्रॉनिक हो सकती है। ये करोड़ों लोग जो सफर करते हैं माइग्रेन से, जो कभी कभी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी अफेक्ट कर सकती है। इसके डिफरेंट ट्रिगर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो माइग्रेन के इन एस्पेक्ट्स को समझने में आपको हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।